सो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के टॉप 35 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के सीरीज में आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन नंबर पहला से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो आप वहां जाकर पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि फ्रेंड्स वे सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स वे सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम के लिए ही गेज किया गया, तो फ्रेंड्स आप वहां जाकर पहले वे सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को लिखकर याद जरूर कर लीजिए। यदि फ्रेंड्स आप भी 2020 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप अभी से ही इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आज से आपका एग्जाम का केवल 20 दिन ही बचा है। फ्रेंड्स आप ये 20 दिन ही चांस से पढ़कर आप अपने एग्जाम में 80 से 85% स्कोर कर सकते हैं। केवल फ्रेंड्स आपको इतना करना है कि मेरे द्वारा दिए गए सारे क्वेश्चन को आप ईमानदारी से पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स वे सारे क्वेश्चन को आप पढ़कर आप अपने एग्जाम में 80 से 85% स्कोर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वे सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको 2020 के बोर्ड एग्जाम के लिए ही गेज किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन देखिए लगातार पूछा गया था 2016 एवं 2016 के कॉम्पार्टमेंटल एग्जाम में। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपको 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछ दें। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया के लक्षण एवं रोकथाम के उपायों का वर्णन करें, मलेरिया के लक्षण एवं रोकथाम के उपायों का वर्णन करें। देखिए फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स से पूछेगा, इसलिए कम से कम आपको 5 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा। लक्षण और रोकथाम को मिलाकर कम से कम आपको 5 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा, तभी फ्रेंड्स आपको 5 में 5 मार्क्स दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर रोकथाम के उपायों का वर्णन करें, इसका मतलब क्या है, मतलब रोकथाम के उपाय का नाम लिख देना है और उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। जैसा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखे हैं मलेरिया के रोकथाम के उपाय, देखिए पहला उपाय लिखे हैं और दूसरा उपाय लिखे हैं और इसमें कुछ ना कुछ देखिए लिखे हैं। रोकथाम के उपाय का मतलब वही होता है। तो चलिए लिखते हैं फ्रेंड्स, पहले है मलेरिया के लक्षण, तो लिखेंगे मलेरिया के लक्षण निम्नलिखित है। फ्रेंड्स यह लिखना बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको लिखकर आप अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए पहला लक्षण लिखेंगे जाड़े के साथ बुखार, सर दर्द और पेशियों में दर्द होता है। यानी जब कोई व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसे जाड़े के साथ बुखार, ठंड के साथ बुखार लगता है, सिर दर्द करता है और पेशियों में दर्द होता है। और दूसरा लक्षण यह है कि आरबीसी की संख्या में कमी आती है। और दूसरा लक्षण यह है कि रोगी को 48 घंटा या 72 घंटा के अंतराल में बुखार आता है। मतलब जब कोई व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो उसे 2 दिन या 3 दिन के बीच में उसको बुखार आने लगता है। उसके बाद है रोकथाम के उपायों का वर्णन करें, तो लिखेंगे मलेरिया के रोकथाम के उपाय। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए पहला उपाय यह है कि मच्छरों को विनिष्ट करके मतलब मच्छरों को मारकर, तो लिखेंगे इसमें मलेरिया रोग मादा इनिफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है, इसलिए उन्हें विनिष्ट करके उसे रोका जा सकता है। उनके लिए डीडीटी का छिड़काव तथा किरोसिन छिड़का जाता है। और दूसरा उपाय कहता है कि संक्रमण से बचाओ, तो इसमें लिखेंगे मनुष्य को मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर निरोधक क्रीम या सरसों तेल को खुले भाग में लगाना चाहिए तथा कुनेन नामक दवाई का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही थे मलेरिया के लक्षण एवं उपाय का वर्णन। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है हर एक नया वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें।